हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं लेके आ गई हूँ एक और बजट फ्रेंडली हॉल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट मैंने मीशो से लिया है, जो कि है एक डेनिम जैकेट। ये जैसा इमेज में मुझे दिखाया गया था सेम वैसा ही मुझे रिसीव भी हुआ है। जैकेट मुझे 290 का पड़ा है। इसमें मेरा साइज स्मॉल है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ भी काफी अच्छी दी हुई है। बाकी अगर आपको ये जैकेट पसंद हो तो मैंने कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो तो मीशो पर ट्रेंडिंग में चलने वाला प्रोडक्ट है, जो कि है केडी गर्ल की हाई वेस्ट प्लीटेड स्कर्ट। मीशो पर इसका नाम ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके सेलर का नाम जो है वो जेके फैशन है और इस स्कर्ट को मैंने 450 में बाई किया है। वेयर करने के बाद ये कैसा लगता है मैं साइड में इमेज लगा दूंगी, आप देख सकते हो। स्कर्ट के साइड में जिप भी दी हुई है जिससे कि फिट अच्छा आएगा। इसमें मैंने 30 साइज बाई किया है जो कि मुझे अच्छे से फिट हो रहा है। इस प्रोडक्ट की भी क्वालिटी काफी अच्छी है और जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी में रिसीव होगा। अगर ये स्कर्ट आप लेते हो तो अपने ओरिजिनल साइज में ही इसे बाय करना। शायद कुछ लोगों को इसका प्राइस ज्यादा लगे तो इसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है। साइड में आपको इमेज दिख जाएगा। इसका प्राइस मीशो पर 180 से 200 के रेंज में है, बट कलर वैसा नहीं है। लेकिन अगर आपका मन हो स्कर्ट पहनने का तो आप इसे भी बाय कर सकते हो। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि अगेन एक डेनिम जैकेट है और ये मुझे इमेज से काफी डिफरेंट रिसीव हुआ है। इमेज में आपको ये क्रॉप जैकेट दिख रहा होगा, बट जब ये मुझे रिसीव हुआ तो ये लॉन्ग था। लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके कलर और क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बट वेयर करने के बाद मुझे लगा कि ये उतनी भी लॉन्ग नहीं है तो मैं शायद इसे रख सकती हूँ। लेकिन अगर आपको इमेज वाली चाहिए तो ये इमेज जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैंने साइज मीडियम लिया है। इसके स्लीव्स की लेंथ पे मुझे अच्छी लगी। बाकी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ये इमेज से बिल्कुल भी डिफरेंट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है वायरल फ्लीस लेगी। इसकी क्वालिटी तो मुझे काफी अच्छी रिसीव हुई है और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके पास ही होना चाहिए। ये काफी वार्म भी था। इसका प्राइस मीशो पर काफी कम है। इसे मैंने 490 में लिया है, वो भी बिना सेल के। शायद जब सेल चले तो ये और भी सस्ता हो जाए, तो आप सेल में इसे एक बार चेक कर लेना। स्कर्ट के साथ कैरी करने पे ये काफी अच्छा लुक देता है। इसके मटेरियल की बात करें तो ये काफी कंफर्टेबल भी था और काफी वार्म भी था। मीशो पे ये प्रोडक्ट आपको काफी कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि मैंने अजियो और फ्लिपकार्ट पर भी चेक किया तो इसका प्राइस काफी जा रहा था। अजियो पे तो शायद 1000 से ऊपर ही इसका प्राइस था। तो सारे प्रोडक्ट के कोड और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको बाय करना हो तो आप कर लेना। नेक्स्ट है ये प्रिंटेड रेयॉन टॉप, जो कि मुझे 170 का पड़ा है और साथ ही इसमें मुझे 92 कॉइंस भी मिले हैं। अब कुछ टाइम बाद समर स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे टॉप्स तो समर में आप बहुत आराम देते हैं। इसका फैब्रिक काफी अच्छा है, ये इतना सी थ्रू भी नहीं था। इसमें मेरा साइज स्मॉल है। इस टॉप में एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई है, ये जितने भी डिजाइन है सब प्रिंटेड है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं मिंत्रा के प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मुझे काफी लेट रिसीव हुआ था तो मुझे इस वीडियो में ही उसको दिखाना पड़ रहा है। पहला जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन कलर का प्यारा सा क्रॉप टॉप है, जो कि इमेज में जैसे मुझे दिखा था सेम वैसा ही रिसीव हुआ है। और इस टॉप की क्वालिटी एक नंबर की है। मैंने जब स्टार्टिंग में से देखा था तभी ये टॉप मुझे काफी पसंद आ गया था और बीच में सेल चल रही थी तो ये टॉप मुझे 300 के अंदर ही मिल गया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लिया है। ये टॉप मुझे काफी अच्छे से फिट भी हो रहा है। साइड में इसके जिप भी दी हुई है, मेन है इसके स्लीव्स, जिसकी वजह से मैंने इसे बाय किया है। ये टॉप मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था तो मैंने बिना सोचे समझे इसे बाय कर लिया। अभी तो मैंने इसे ब्लैक कलर के टर्टल नेक टॉप के साथ वेयर किया है। बाकी जब समर आएगा तो एक बार मैं इसे शॉर्ट्स में बना दूंगी ताकि आपको इसकी फिटिंग का आइडिया लग जाए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आप जरूर से बाय कर लेना, क्योंकि ये सारा सेट मुझे मीशो पर 560 का पड़ा है
क्वालिटी इसकी एक नंबर की है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है सेम वैसा ही प्रोडक्ट मुझे रिसीव भी हुआ है। इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा है। इसके कुर्ते की बात करें तो कुर्ते में काफी फ्लेयर है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लिया है। सेम ऐसा ही शरारा सेट मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें भी दिखाया था, जो कि स्लीवलेस था। तो अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल हो तो आप उसे एक बार चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगी। लेकिन इसका फैब्रिक उससे ज्यादा अच्छा है। उस शरारा सेट का फैब्रिक काफी पतला था। इसके शरारे में भी काफी फ्लेयर है। इस शरारा सेट काफी कंफर्टेबल है। दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टे की लेंथ प्राइस के हिसाब से ठीक थी। इस शरारा सेट का डिजाइन काफी सिंपल और यूनिक है। नेक्स्ट है ये मिंत्रा से लेवेंडर कलर का स्वेट शर्ट, जो कि मुझे 200 से 250 के अराउंड पड़ा है, क्योंकि ये मैंने पहले ही ऑर्डर किया था तो मुझे उतना याद नहीं है। और आपको भी पता है मिंत्रा पे नए नंबर से जब ऑर्डर करते हैं तो काफी अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं। जब मैंने इसे बाय किया था तो मिंत्रा पे 700 से 250 का ऑफ मिल रहा था। ये प्रोडक्ट और बाकी मैंने मिंत्रा से और भी स्वेट शर्ट मंगाए थे, उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी स्वेट शर्ट मुझे 200 से 250 के अराउंड मिल गए थे। इसमें मेरा साइज मीडियम है। अगर ये स्वेट शर्ट आपको 300 में भी मिलता है तो आप इसे बाय कर लेना। मैं पर्सनली बताऊँ तो इस ब्रांड के स्वेट शर्ट जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, अगर आपको लेना हो तो ले लेना। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक और कोड जो भी होगा मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।